आप सभी को प्रणाम वंदे। स्वस्थ रक्षा से दवा मुक्त भारत का उद्देश्य लिए स्वदेशी चिकित्सक प्रभा भारती आप सबका स्वागत करती है। तो चलिए वार्म अप आरंभ करते हैं आज का व्यायाम। कल मेरे पेट में पीड़ा थी, आज उसका हल्का सा प्रभाव दिख रहा है। मैं बताऊंगी क्या है और आप भी यदि ऐसा हो कैसे व्यायाम कर सकते हैं। ओम मित्राय नमः। सांस भरते हुए ऊपर ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। पादहस्तासन। सांसों पे ध्यान के साथ, क्योंकि सांसों पे ध्यान से आपका मन व्यथित नहीं होता है, उल्टा मन की व्यथा ठीक हो जाती है। इसलिए सांसों पे ध्यान साथ में करते हुए सांस ली छोड़ी, यहाँ धीरे धीरे सांस छूटती रहेगी। कल पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि भोजन गड़बड़ नहीं किया है मैंने, इसलिए पता नहीं है। कल शाम के समय मेरे पेट में खिंचाव जैसा हुआ, क्यों हुआ मैं नहीं जानती हूँ और जानने का प्रयास भी नहीं कर रही हूँ। क्योंकि एक जब ऑपरेट हो जाता है ना, उसके बाद कभी कभी कुछ चीजें थोड़ी आगे पीछे होती है, और यदि मैं उसको और जानने का प्रयास करूँ तो कदाचित एक सामान्य मनुष्य के मन में भय आ जाता है, और मैं भयभीत नहीं रहना चाहती। इसलिए व्यायाम कैसा करना है वो भी समझ में आ गया है। आज पेट के बल वाले अधिक व्यायाम नहीं होंगे, पर पेट का व्यायाम फिर भी होगा। कैसे होगा मेरे साथ करते रहिए, पता चल जाएगा। अभी देखिए पेट दबा हुआ, पेट में खिंचाव नहीं, पर दबा तो है, व्यायाम तो हो रहा है। ओम भानवे नमः। सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे। आप बनेंगे, पहले क्या हुआ था, जब सांस छोड़ी भरी लगातार चलता रहता है और ऊपर जब जाते हैं तो अधिकांश सांस भरी रहती है और छोटी छोटी चलती रहती है। पीछे वाला पैर पीछे सीधा, आगे वाला पैर घुटनों से मुड़ के आगे सीधा। अभी तो दोनों हाथ भी सीधे हैं। यदि गर्दन अधिक पीछे जाती तो हाथ थोड़े मुड़ जाते हैं। कभी मेरी वैसी स्थिति नहीं करके कर पाऊंगी तब आपको दिखा पाऊंगी। जितना ऊपर गर्दन जाए दे जाइए, थायराइड के लिए, स्प्रिंग के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। ऐसा नहीं है कि पेट का कोई भी व्यायाम नहीं होगा, पर केवल पेट पर प्रेशर आए या जिसमें पेट पर प्रेशर आए ऐसा व्यायाम हल्के रूप में होगा। कैसे होगा आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। क्योंकि क्या है ना, पीड़ा करते समय करने के बाद या पहले सबको होती है थोड़ी बहुत, तो भाई आप कैसे उस समय व्यायाम को परिवर्तित कर रहे हैं। कि मुझे ये बात आज समझ में आई जब मुझे हुआ कि भाई ऐसी स्थिति में लोग अक्सर व्यायाम करना छोड़ देते हैं कि ये तो दर्द हो रहा है, ये तो ऐसा हो रहा है, ये तो वैसा हो रहा है, छोड़ दिया, छूट गया, फिर दोबारा आरंभ ही नहीं हो पाता है। पर्वतासन में मूल मंत्र लग जाता है जो हमारी ऊर्जाओं को ऊर्ध्वगामी बनाता है। मूल बंद लगने से वासनाओं पर नियंत्रण आता है, साथ ही कब्ज पाइल्स जैसी समस्याओं से भी आराम मिलता है। जिन महिलाओं का गर्भाशय नीचे को आ रहा है उनको भी इस स्थिति में आराम मिलता है। आप देख सकते हैं
मैं उतना ही कर रही हूँ जितना सहजता से मुझसे हो रहा है। कहीं भी बड़का प्रेम नहीं है। यह सांस धीमे धीमे चल रही है, मैं बोल पा रही हूँ और यह शब्द आराम से निकल रहे हैं। पूषणे नमः। ये सारे सूर्यदेव के नाम है। अष्टांग परिपादासन समष्टि को प्रणाम, समष्टि को धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, मैं आपकी शरण हूँ। आप तो शरणागति रक्षक हैं प्रभु। आप जो आपकी शरण में आज उसको कभी नहीं त्यागते, उसके मार्गदर्शक आप बनते हैं। अर्जुन आपकी शरण में आया, आपने अर्जुन का साथ ही बनना स्वीकार कर लिया था। बस मेरे मन के साथ ही आप बन गए। मैं आपकी शरण, यदि आप सारथी होंगे तो ये रथ सही दिशा में जाएगा, अन्यथा अर्थ उठ जाएगी। हे प्रभु, मैं आपकी शरण। हे माता प्रकृति, आप हमें पोषण देते हो। हम आपसे हैं, आपको कोटि शय धन्यवाद, आपकी कोटि शय उपकार है। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। यहाँ पे पेट में अधिक प्रेशर आता है, इसलिए आज देखिए कोहनी मुड़ी हुई है और पूरा जितना रोज उठ जाती थी उतना नहीं उठी। तो इससे पेट पर खिंचाव आ रहा है तो अधिक नहीं जाना है मुझे आज, और इसमें रुकना भी अधिक नहीं है। ओम मरीचे नमः। इस अवस्था में हूँ तो पेट पर उतना प्रेशर नहीं है, इस अवस्था में आ रहा है। रोज वाली अवस्था में पेट पर बहुत प्रेशर होता है, तो आज हम वहां से आगे निकल जाते हैं। ओम आदित्याय नमः। आज मैं प्रयास कर रही हूँ कि आपको सभी मंत्रों के उच्चारण के साथ करके दूँ, क्योंकि कई बार मैं भूल जाती हूँ। आरंभ करती हूँ, अंत में याद रह जाता, बीच में भूल जाती हूँ। वो दो अभ्यास जिसमें मैं अधिक रुका करती थी, आज दोनों के दोनों मैंने स्किप कर दिए थोड़ी थोड़ी देर में, कि उससे पेट पर अधिक प्रेशर आ रहा है जो मुझे पीड़ा का कारण बन सकता है। इसको छोटी छोटा करके छोड़ दिया मैंने। ओम सवित्रे नमः। क्या होता है ना, जब हमें कहीं कोई भी पीड़ा होती है ना, उसका एक प्रकार होता है। वो पीड़ा का प्रकार बता देता है इसमें आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, और ये आपके भीतर से ही आपको उत्तर मिलता है। आपको इसका उत्तर लेने कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होती है। अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। भगवान भास्कर जो हमारी ऊर्जा के स्रोत हैं, उनको प्रणाम। और आप सब मेरे सूर्य, मेरी प्रेरणा के स्रोत, आप सबको ही प्रणाम। चलिए, आज व्यायाम मैंने कहा ना, पेट का प्रेशर नहीं देना है। तो व्यायाम कैसा है, बिना पेट के प्रेशर वाला। तो रनिंग वगैरह तो वैसे भी संभव नहीं है, तो चलिए आज हम जो सहारा लेने वाले हैं, अरे इसको ले लेते हैं कि हाँ कैसे करना है, क्योंकि पेट का व्यायाम तो देना है, क्योंकि पेट का व्यायाम नहीं होगा
तो पेट जो गड़बड़ है वो सही नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए धीरे धीरे लकड़ी से टच करेंगे, सीधा पैर को नहीं ले जाएंगे, आराम से। इस पर मैंने 4-6 दिन पहले भी वीडियो बनाया था। हाँ, आराम से देखिए पूरा होना है, ठीक है ना। ये शुरुआत की, थोड़ा और बढ़ा दिया इसको, और पैर चौड़े करके मुझे ऐसे नहीं करते बन रहा है, तो कोई बात नहीं, आप आते भागते मार के बैठ जाइए, मैं पद्मासन लगा के बैठ जाती हूँ, क्योंकि कहा ना आज पीड़ा है पेट में हल्की सी। हाँ, उतना ही करना है जितना करते बने। क्योंकि जहां लगे कि पीड़ा का आभास हो रहा है या उस अंग में पीड़ा होगी उसको छोड़ देना है। माइक आज एक्चुअली ब्लूटूथ से आवाज सही आ नहीं रही थी, मुझे ऐसा लगा, इसलिए आज आप बताइए कमेंट करके कि भाई आज की आवाज कैसी है। कि आज मैंने फिर फाइनली ब्लूटूथ वाला माइक छोड़ के यही माइक लगा लिया कि भाई यही सही है। कि कैमरा जो है ना अभी करीब 2, 4, 6, 8, 10 फुट दूर है मुझसे, 9-10 फुट दूर है, और इतनी दूर जब कैमरा होता है तो उसका माइक क्लियर नहीं पकड़ पाता है, और ब्लूटूथ वाला माइक भी नहीं पकड़ पा रहा था, इसलिए मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, अपने पुराने उस पे आ जाते हैं। सांस के ध्यान के साथ करते रहेंगे, देखो ये सांस छूट गई, छूट गई, भर गई, छूट गई, यहाँ कपाल भक्ति हो जाता है, और ये आंखें खोल के करेंगे आराम से। 2 से 5 मिनट का अभ्यास कर लीजिए, ये आपके कमर को, आपके कंधों को, आपके पीठ को बहुत अच्छा ध्यान देगा। ये देखिए क्या होता है इसमें, आपको पीछे से भी दिखा दूं तो आपको ट्विस्टिंग समझ में आ जाएगी इसकी कि कैसे होती है। ये देखिए पूरा का पूरा गर्दन यदि आप स्थिर रखेंगे तो इसका प्रभाव अलग होगा, और गर्दन घुमाएंगे तो आंखें बिल्कुल बंद ना करें क्योंकि चक्कर आने की संभावना पूरी की पूरी बनती है। इसलिए ध्यान रखें, सावधानी के साथ करें, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। उसके बाद पीठ को थोड़ा सा हम बेल देते हैं, जो रीढ़ की हड्डी में कहीं पीड़ा वगैरह है ना वो तो इससे निकल जाएगा। ये बांबू थोड़ा सा बीच में टेढ़ा है, मैंने ध्यान नहीं दिया, क्या है ना मिल गया था, खरीदा नहीं है, खरीदते तो बहुत कुछ देख के खरीदते हैं, और कोई चीज जब मिल जाती तो हम ले लेते हैं कि चलो भाई ठीक है काम तो चलेगा, क्योंकि बांबू है मैंने बिकते वैसे देखे नहीं है कि मैं खरीद लाऊं। चलिए ये हो गया, अब इसके आगे अब ये मुझे लगता है कि इससे ना करके मैं दूसरे साधन से करूं। ये देखिए मैंने एक छोटा सा हाथ पहुंचने वाला तौलिया ले लिया है, क्या करना है हाथों को पकड़ लिया, सुपर। जितना जाया जाए उतना चाहिए, और ये साइड पे जाना है, आगे नहीं आना है, साइड पे जाना है। ये सांस भर गई, सांस छूट गई। देखिए व्यायाम सारे पेट के साथ ही है, कि पेट से हमारे हाथ पर सब जुड़े हुए हैं, किंतु आज पैरों वाले व्यायाम करने में मुझे थोड़ा भय लग रहा है, क्योंकि पैरों वाले व्यायाम में पेट अधिक खींचता है, तो इसलिए वो आज करने की स्थिति मेरी नहीं बन रही है। मित्रों क्या है ना, मैंने पहले एक बार सोचा कि आज व्यायाम नहीं करती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं गड़बड़ हो जाएगी, एक दिन छोड़ा तो फिर छूटता ही चला जाएगा, इसलिए छोड़ना तो नहीं। और आज देखिए शरीर भी थोड़ा सा और हार्ड हो गया है, मैंने था ये आराम से हो जाता था, वो अभी थोड़ा सा कष्ट दे रहा है होने में। तो भाई ये आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ भी होता है, ये कई बार लोग ये कह रहे थे दीदी कभी कभी आलस आ जाता है, आलस कभी कभी शरीर के साथ ना देने से भी आता है, और कभी कभी क्या होता है ना खाने पीने से भी आता है। हाँ मैंने रविवार को थोड़ी सी खाने में भोजन में गड़बड़ की थी, वो मुझे थोड़ा याद आ रहा है, पर अधिक नहीं की थी। रविवार को शाम का भोजन मेरा बाहर था, दूध नहीं पी पाई थी मैं, क्योंकि उस दिन स्वयं सेविका संघ का प्रोग्राम था, कार्यक्रम था, तो बाहर जाना था,
इसलिए वहां भोजन हुआ था। अब उन्होंने बनाया तो वही था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ होगा, जो भी हुआ होगा। आजकल क्या होता है ना, भोजन आते तो बनाने वाले ही हैं, तो उनको भोजन ऐसे बनाना होता है जिसमें स्वाद हो। आजकल स्वास्थ्य पर ध्यान देने वाले बहुत कम लोग हैं। स्वाद अच्छा होगा ना सब चलेगा। और मैं अपने भोजन को ऐसा बनाती हूँ जिसमें स्वाद ना हो, स्वास्थ्य ना हो चलेगा। क्या बोल रही हूँ मैं, स्वाद ना हो चलेगा, पर स्वास्थ्य नहीं हो तो नहीं चलेगा। अब जैसे आपने कल शाम का वीडियो देखा हो, तो उसमें मैंने काला काला, उसमें है रागी, उसमें है काला तेल, उसमें अखरोट बादाम सब डाल के मैंने एक हल्का सा नमकीन सा कुछ बनाया था। मैंने पहली बार वो बनाया था, क्योंकि अभी तक तो आटा खाते थे, चावल भी खाते थे, तो चीजें हो जाती थी। लेकिन अब ये सोचे कि आटा चावल सीधा नहीं खाना है, चीजें उबाल के खानी है, उसको हल्का सा तड़का वगैरह देके खाना है, स्वाद उसी में आ जाता है। किंतु प्रोसेस जितनी कम होगी उतना वो चीज अच्छी बनती, ये मैंने देख लिया है। तो मैं अब ऐसी चीजें बनाने का प्रयास करती हूँ जिसमें प्रोसेस ना हो या नाम मात्र की हो। तो उसी में से कल का भोजन था मेरा, उसमें प्रोसेस नाम मात्र की थी। चटनी थी, चटनी तो मेरी आजकल नारियल की हर रोज होती है, पर चटनी में अब मैं जीरा तो डालती ही हूँ, उसके अलावा मैंने और भी चीजें डालना चालू किया, क्योंकि चटनी जो है ना मित्रों, वो केवल स्वाद के लिए नहीं होती है, वो स्वास्थ्य के लिए भी होनी चाहिए। इसलिए चटनी ताजी बनानी चाहिए, और मैं रोज ताजी बनाती हूँ। आप वीडियो देखेंगे आपको पता चलेगा, कल शाम का जो वीडियो मैंने दिया था वो इसी पर है, कि वो वीडियो जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ बन चुका है, उसको बस थोड़ा सा उसमें शब्द डालने बाकी हैं। तो ये आपको 12 घंटे बाद मिलेगा, वो 12 घंटे पहले, क्योंकि जो भोजन है, भोजन का वीडियो शाम को और व्यायाम का वीडियो सुबह। और मित्रों ये जो मैं कर रही हूँ, आज कहा ना थकान नहीं है, पर कहा ना आज का व्यायाम केवल इसलिए है कि व्यायाम छूटे नहीं, व्यायाम करना है, व्यायाम छूटना नहीं चाहिए। आज का व्यायाम केवल इसलिए मैं कर रही हूँ, क्योंकि कहा ना स्थिति नहीं है कि व्यायाम करूं, पर हाँ व्यायाम करना है। तो जो मन में आ रहा है वो मैं वैसे करने का प्रयास कर रही हूँ। इसको उठाया था कि करूंगी इसके सहारे, पर अधिक कुछ नहीं हो पा रहा है। तो चलिए अब मैं थोड़ा स्थिर होने का प्रयास करती हूँ आसनों में ही। अब हम करने जा रहे हैं गौमुखासन। पहले पीछे से दिखा दूं क्या करना है, जो पैर हमने मोड़ा है ना नीचे को, उस पर ऐसे बैठ जाना, ये देखिए ऐसे बैठ जाएंगे, और दूसरा पैर ऊपर से ले लेंगे। मैं आपको आगे से भी दिखा दूंगी, मैंने कई बार पहले भी दिखाया, और जो पैर ऊपर से ऊपर होगा हाथ ऊपर से, और दूसरा पैर नीचे से लाना है, और ये हम पीछे पकड़ लेते हैं। अब क्या करना है इसको देखिए, थोड़ा से खींचेंगे, ये रीढ़ की हड्डी के लिए, पीठ के लिए, और गर्दन के लिए, कंधों के लिए, हमारे मूत्र संस्थान के रोगों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये, आराम से। वैसे तो हम इसको करते हैं जो वैसे पकड़ लेते हैं केवल, ये देखिए पकड़ में आ गया, पर व्यायाम के रूप में लेना है इसलिए मैंने ये रुमाल ले लिया कि भाई चलो अब हम इसको व्यायाम के रूप में कर लेते हैं। थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, जितना आ जाए उतना ले लेते हैं, ठीक है ना। आज थकान भी शीघ्र हो रही है, कभी कभी कहते हैं ना पता नहीं चलता क्या होता है। अभी ये पैर नीचे था, ये पैर ऊपर था, अब उल्टा कर लेते हैं। ये देखिए जैसे पीछे से दिखाया था वो आगे से देख लीजिए, पैर पे बैठ गए, दूसरा पैर आगे से ऊपर ले लिया, सांसों पे ध्यान चलने दीजिए, और जो पैर ऊपर है उसी हाथ को ऊपर ले जाके जैसे उस साइड से पकड़ा था, ये देखिए आराम से गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, और गर्दन छुपा के नहीं करना है, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, गर्दन सीधी रहेगी उतना इसका लाभ अच्छा होगा। और सांस छूट गई, ऊपर आए सांस भर गई, सांस छूट गई, भर गई, सोहम ओम सोहम। एक्चुअली ओम बोलते समय सांस भरती है ना, तो उतने अच्छे से बोला नहीं जाता है, इसलिए सोहम का स्वर तो आता है, ओम का स्वर उतना स्पष्ट नहीं आता है। आज सांस थोड़ी उखड़ सी रही है, हाँ चलिए अब इसको हम
थोड़ा आगे पीछे करते हैं। कहा ना आज व्यायाम थोड़ा कम करूंगी कदाचित, लेकिन करूंगी तो अवश्य। एक्चुअली का जो पीड़ा होती है ना इस हिस्से में कि नाभि के ऊपर और साइड में हुई थी दाईं ओर, ऐसा लगा कुछ खिंच रहा है। और उस समय जो आभास हुआ था ऐसा लगा जैसे टांकों पे कुछ तनाव आया है। हाँ 7 महीने बीत गए हैं, बीत गए ना 7 महीने, आज कौन सा दिनांक हो गए, आज 13 है। हाँ 5 दिन बाकी हैं 7 महीने बीतने में। और लोगों को मैंने देखा 6-6 महीने सीढ़ियां नहीं उतरते हैं। कल एक पुरानी साधक बहन मेरी, वो बोली ऑपरेशन के बाद अब सामान नहीं उठाना है। मैंने कहा भाई ये सब बीत चुका है, हो चुका है सब। और मैं एक चीज समझती हूँ कि जब उन लोगों को इतनी सावधानी रखने के बाद भी उनको तकलीफें होती हैं, कष्ट होता है, तो फिर मैं अपने हिसाब से सावधानी रखूँ उसमें थोड़ा बहुत कष्ट हो तो क्या बुराई है। कम से कम मैं अपने जीवन को अपने इच्छा के अनुसार जी तो पा रही हूँ, वरना लोग डर के मारे दवाइयां खाते हुए, गैस का एसिडिटी को झेलते हुए, वजन बढ़ाते हुए पड़े रहते हैं, उठ नहीं पाते, फिर धीरे धीरे काम करना भी कम हो जाता है, धीरे धीरे बंद भी हो जाता है, हमसे काम नहीं होता है। और भाई मैं तो सारे काम कर रही हूँ और आगे की तैयारी भी चल रही है कि मुझे अब मुंबई नहीं रहना है। जी हाँ, अब मैं मुंबई से जाने की तैयारी कर रही हूँ। कहाँ जाऊंगी आपको पता है, याद है तो कमेंट करके बताइएगा, और ना जब जाऊंगी तब तो आपको पता चल ही जाएगा मैं कहाँ जा रही हूँ, अन्यथा थोड़ा सा सरप्राइज रखते हैं। जाऊंगी तब आपको दिखेगा कि हाँ मैं पहुंच गई हूँ। आज पेट में खिंचाव नहीं, दबाव देना है। दबाव में समस्या नहीं आ रही है, इसलिए दबाव देना है। ये देखिए हम लेट के करते हैं ना, पवन तासन, बस कोई बैठ के कर रहे हैं। अब लगता है 2 दिन पेट को आराम दे देंगे ना तो जो खिंचाव तनाव सब निकल जाएगा, क्योंकि खिंचाव तनाव की स्थिति तब बनती है जब कुछ गड़बड़ होती है ना, पता चले तो भाई मान लो ऐसे ही। प्रयास है कि घुटने पूरे सीधे हो जाएं, जो अभी थोड़े से सीधे नहीं है। पीड़ा को याद नहीं करते हैं, पर जब वो होती है ना तो याद आ जाती है। अब देखिए इसमें भी जमाई आ गई, आज नींद नहीं आ रही है। अभी फेफड़े कुछ अलग तरीके से खुले हैं जिससे नींद जमाई आ गई है। फेफड़े खुलते हैं ना तभी जमाई आती है, क्योंकि हमारे फेफड़ों को दबा हुआ रहने की या व्यायाम के बिना कुछ ऐसे ही रहने की आदत होती है,
जो व्यायाम करते हैं ना तो उसकी नस नाड़ियां खुलती हैं, इसलिए मित्रों व्यायाम से फेफड़े भी मजबूत बनते हैं। किंतु यदि आपकी सांस बहुत तेज चल रही है, नियंत्रण में नहीं है, तो वो व्यायाम जो है ना आपके फेफड़ों को थका देता है और थकने के बाद भी कोई चीज पस्त हो जाती है, उसमें एक्टिवनेस नहीं रहती है। इसलिए हम जो व्यायाम करते हैं उसमें फेफड़े थकते नहीं है, वो एक्टिव होते हैं, उनको व्यायाम मिलता है तो लचीले बनते हैं। ये देखिए, क्योंकि हर जगह साधन उपलब्ध होने ही आवश्यक नहीं होता है। आज थोड़ा जल्दी हम व्यायाम पूरा करते हैं क्योंकि आज मेरी स्थिति नहीं बन रही अधिक व्यायाम करने की। आशा है आप कर पाएंगे। आपसे जितना हो पुराने वीडियो आपने देखे उस अनुसार कर लीजिए। ये देखिए, तो आपने अक्सर देखा होगा व्यायाम के बाद डकारें आती हैं। ये देखिए, जब मन कहता है व्यायाम पूरा हो गया तो अपने आप डकारें आ जाती हैं, उससे पहले रुकी हुई होती हैं, वे सारी साथ में तीन चार आ जाते हैं। चलिए प्रणहोति की ओर आगे बढ़ते हैं। छाती पे, पेट पे, दोनों पैरों पे, घुटनों पे और कंधों पे घुमा के पैरों के आगे के हिस्से में दोनों कंधे से दोनों हाथों पे घुमाएंगे और दोनों हाथों को मिला के आंखों के सामने ला के अपने को देखते हुए ओम, उसके साथ धरती माता को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। आप मेरे प्रेरणा के स्रोत, आप सबको प्रणाम और आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। क्योंकि जब आप व्यायाम करते हैं ना तो शुभकामनाएं अपने आप हमारे साथ चलती हैं। हर स्थिति में व्यायाम अनिवार्य है। धन्यवाद। वंदे मातरम।